मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य उत्तराखंड में साकार हो रहा है। यह योजना ऐसे ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति कराने में सफल रही है जहां आज तक कोई भी पेयजल योजना नहीं थी। इन क्षेत्रों में पेयजल लाइन से गांव तक पानी पहुंचा ही साथ ही हर घर नल हर घर जल का नारा भी बुलंद हो रहा है। जनपद के विकास खंड पौड़ी में ऐसी ही ग्राम पंचायत ओजली है जहां के ग्रामीणों को अब पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर प्राकृतिक पेयजल स्रोत के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ओजली में पहली बार पेयजल लाइन से घर घर पानी मिलने लगा है। ग्राम पंचायत ओजली में लगभग 150 परिवार हैं। जल संस्थान के सहायक अभियंता सोहन सिंह जेठुड़ी ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंपिंग पेयजल योजना का आंकड़ा तैयार किया गया है। लगभग 1,85,00,000 के लागत से योजना का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए गांव के ऊपर 60 किलोमीटर क्षमता का टैंक बनाया गया। स्रोत में टैंक तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इस योजना से ओजली के साथ साथ खांडूसैन बाजार में भी जलापूर्ति हो रही है। पानी को साफ करने के लिए फिल्टर टैंक बनाए गए हैं। ग्राम प्रधान सीमा देवी बताती हैं कि अब उनके गांव की जनता को घर में शुद्ध पानी मिल रहा है। जल जीवन मिशन से ग्रामीणों की समस्या दूर हुई है।